हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2021 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके आने वाले हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर कंटिन्यू बन सकते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, यदि आप शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, किनेसियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स, इन सब के बारे में एंड विभिन्न संस्थाओं के बारे में एंड स्पोर्ट्स हिस्ट्री, प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, पैरा ओलंपिक, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरा कॉन्टेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2021 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या होता है। दोस्तों, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, ये टेनिस के खेल में प्रत्येक वर्ष में चार बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, और इन चारों टूर्नामेंट में जो विजेता होता है उस खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दिया जाता है। तो ये चारों टूर्नामेंट कौन कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। दोस्तों, ये इसी क्रम में होता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी पूछेगा कि आप टेनिस के चारों टूर्नामेंट को एक क्रम में सजाइए तो आप ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इसी क्रम में ये रहेगा और इसी क्रम में ये आयोजित होते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इसी क्रम में आयोजित होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष में। सबसे पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में वर्ष के सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सबसे अंत में यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में शुरू हुआ, फ्रेंच ओपन 1891 में से शुरू है। इसको रोनाल्ड गैरोस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के एक फाइटर पायलट थे। एंड तीसरा है विंबलडन ओपन, ये 1877 से प्रारंभ हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, यह इंग्लैंड में है। एंड टेनिस की यह सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन है, तो विंबलडन ओपन। सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता कौन है? विंबलडन ओपन, ठीक है, यह इंग्लैंड में संपन्न होता है। और यूएस ओपन लास्ट है, चौथा है यूएस ओपन, यह 1881 से शुरुआत हुआ, यह अमेरिका में न्यूयॉर्क में संपन्न होता है। दोस्तों, यह टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे आखिरी टूर्नामेंट होता है, सबसे अंत में आयोजित किया जाता है। सबसे शुरू में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सबसे अंत में यूएस ओपन, इसको विशेष रूप में ध्यान रखिएगा। एंड सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन है? तो विंबलडन ओपन। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता कौन है? तो विंबलडन ओपन। इतना आप ध्यान में रखिए। अब मैं बात करूंगी कि ये चारों टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के किसी स्थान पर संपन्न होता है, ये पहले ध्यान में रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न होता है आपका मेलबोर्न, विक्टोरिया के मेलबोर्न पार्क में, यानी मेलबोर्न में ये संपन्न होता है, मेलबोर्न पार्क में, ठीक है, खेला जाता है, आयोजित किया जाता है प्रतियोगिता। एंड फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच फ्रांस में है, तो डी फ्रांस नाम से पेरिस के स्टेट रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम में इसको खेला जाता है। एंड विंबलडन ओपन जो है इंग्लैंड में है, तो यह इंग्लैंड में क्रिकेट क्लब में लंदन में खेला जाता है, ठीक है, क्रिकेट क्लब में लंदन में खेला जाता है। क्रिकेट क्लब बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड जो यूएस ओपन है, तो यूएस ओपन जाहिर सी बात है अमेरिका में खेला जाता है, तो अमेरिका के किसी शहर में खेला जाएगा, तो यह न्यूयॉर्क में खेला जाता है, आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज पब्लिक पार्क के यूएसटीए बिली जिंग किंग नेशनल सेंटर में यह खेला जाता है। ये तो हो गया खेलने का स्थान। अब मैं बात करती हूँ किस किस माह में ये चारों टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जनवरी के मध्य माह में खेला जाता है, एंड
जो फ्रेंच ओपन है वो मई जून में खेला जाता है, विंबलडन ओपन जून जुलाई में, एंड यूएस ओपन सबसे अंत में आयोजित किया जाता है अगस्त सितंबर में। ठीक है, और मैं बात करती हूँ या किस किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी मिट्टी की कोर्ट पर, विंबलडन ओपन यानी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों सबसे पहले टेनिस को लॉन टेनिस कहा जाता है क्योंकि लॉन का अर्थ होता है घास का मैदान। तो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है विंबलडन ओपन, इसलिए इसके सिद्धांत पर आप याद कर सकते हैं कि यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या होता है, कब आयोजित की जाते हैं, कौन सबसे पहले आयोजित किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे अंत में यूएस ओपन, सबसे पुरानी प्रतियोगिता विंबलडन ओपन, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता विंबलडन ओपन। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। ठीक है, अब मैं 2021 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करूंगी। दोस्तों 2021 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन में कौन कौन विजेता है। सबसे पहले मैं पुरुष विजेता की बात करूंगी। तो पुरुष विजेता में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 18 से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया था, इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविक, इस सर्बिया के हैं। एंड फ्रेंच ओपन के जो 30 मई से 13 जून तक आयोजित किए गए थे, इसके भी विजेता नोवाक जोकोविक हैं। एंड विंबलडन ओपन जो 28 जून से 11 जुलाई तक आयोजित किए गए थे, इसके भी विजेता नोवाक जोकोविक हैं। एंड सबसे लास्ट में यूएस ओपन जो 30 अगस्त से 12 सितंबर तक आयोजित किए गए थे, इसके विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव। तो दोस्तों ये थे टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष विजेता। तो आपने क्या ध्यान दिया? एकदम सरल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तीनों के विजेता हैं इस बार नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के हैं। तीनों के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। एंड यूएस ओपन के विजेता डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ट्रिपल एन डी यानी ट्रिपल एन से मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तीन बार नोवाक जोकोविक तीनों में विजेता है, डी से डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी महिला विजेता की, 2021 की महिला विजेता में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाओमी ओसाका जापान की विजेता रही हैं, फ्रेंच ओपन में बारबोरा के क्रेजीकोवा चेक रिपब्लिक की हैं, एंड विंबलडन ओपन में एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं विजेता, यूएस ओपन में एम्मा राडुकानु यूनाइटेड किंगडम की है विजेता। तो एनबीएए इसका शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, प्रथम अक्षर लेकर के एनबीएए। ठीक है, एनबीएए। ठीक है, पुरुष विजेता का आप ट्रिक बना सकते हैं ट्रिपल एन डी, महिला विजेता का ट्रिक बना सकते हैं एनबीएए। ठीक है, एनबीएए। ठीक, अब मैं बात करूंगी कि सबसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम की चारों टूर्नामेंट में पुरुष एकल का सर्वाधिक 20 खिताब किसने जीता है। तो ये 20 खिताब जीते हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से है, राफेल नडाल स्पेन से है, नोवाक जोकोविक सर्बिया से है। ये तीनों के तीनों अब तक में सर्वाधिक 20 खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम की चारों टूर्नामेंट में महिला एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है। तो अब तक में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल का सर्वाधिक खिताब जीता है मार्गरेट कोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया की है, इस सर्वाधिक 24 बार खिताब जीती है। एंड दूसरे नंबर पे है सेरेना विलियम्स जी जो अमेरिका की है, ये सर्वाधिक 23 बार खिताब जीत चुकी हैं। तो दोस्तों ये था टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में एंड टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2021 की विजेताओं के बारे में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि इससे बाहर कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता है 2021 के ग्रैंड स्लैम के बारे में। मैंने ग्रैंड स्लैम क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में बताया है। तो
तो आई होप कि अच्छी समझ में आया होगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा। एंड कैसा लगा वीडियो इसको आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। एंड ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।